हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हो यार बहुत अच्छे होगे। और स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। तो अभी हम लोग खेल रहे हैं कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन। तो ये मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन है। मैं इसमें बहुत ही आज बेसिक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ इस गेम में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप गोल्ड को, जो एक वन ऑफ द रिसोर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस गेम का, उसे कैसे आप फार्म कर सकते हो, किस तरीके से कलेक्शन कर सकते हो गोल्ड का। क्योंकि आप भी देख सकते हो कि मेरे भी अगर आप कलेक्शन की बात करोगे तो देख रहे हो गोल्ड जो है वो 67,019 है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है, समझ रहे हो। इससे आप किसी भी कैरेक्टर को अपग्रेड नहीं कर सकते इतने में, ठीक है। अगर आपको किसी कैरेक्टर को अपग्रेड करना है, अच्छे कैरेक्टर को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड चाहिए, ठीक है। और बिना गोल्ड के आप कैरेक्टर को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कैरेक्टर को अपग्रेड करना है तो गोल्ड एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो अब हम गोल्ड को कैसे लें, गोल्ड के लिए हम क्या करें स्पेशली। देखो कई तरीके हैं वैसे गोल्ड का खेल। सबसे जो बेसिक तरीका है कि आप बेसिक गेम्स खेलते रहो और गोल्ड आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा है कि आप जब जाओगे क्रिस्टल में तो देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको एक गोल्ड का क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएगा। देखें है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर गोल्डर गोल्डन क्रिस्टल, ठीक है। हाँ, यहाँ ये आपको यूनिट का पड़ेगा, तो एक क्रिस्टल 20 यूनिट का पड़ेगा। तो डेफिनेटली यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हम यूनिट भी नहीं खर्चा करना चाहते। पर जिनके पास यूनिट है और गोल्ड नहीं है, उनके लिए ये क्रिस्टल वाला ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें मिनिमम क्रिस्टल की मैं बात करूं, तो आई थिंक एक मिनट लेट्स सी द मिनिमम क्रिस्टल। तो जो मिनिमम अमाउंट है क्रिस्टल का वो है 6,300 गोल्ड, ठीक है। मिनिमम अमाउंट जो है इस क्रिस्टल में गोल्ड का वो 6,300 है, और मैक्सिमम तो भाई आई थिंक 1,30,000, हाँ 1,30,000 है आई थिंक, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप परचेस कर सकते हो यूनिट से, अगर आपके पास यूनिट पर्याप्त तो मात्रा में है तो, वरना आई डोंट रिकमेंड कि आप यहाँ से यूनिट से खरीदो इसको, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये काम हो सकता है। कभी कभी हमें गोल्डन क्रिस्टल फ्री में मिलता है, तो कोशिश करो कि अगर गोल्डन क्रिस्टल हमें फ्री में मिल जाता है तो उसको आप खोल सकते हो, ठीक है। उसमें आई थिंक 2400 ही रहता है, आई थिंक मे बी। फिर क्या किया जाए ऐसे में, तो देखो इसके भी कई तरीके हैं। आप बेसिक गेम्स खेलो, बेसिक गेम्स खेलोगे तो आपको धीरे 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 गोल्ड आपके फॉर्म होते रहेंगे। बेसिक गेम्स जैसे कि आप मंथली जो इवेंट आता है वो खेल सकते हो, जैसे कि सिनिस्टर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको गोल्ड मिल जाएगा। प्लस आप जो मंथली इवेंट आया है एक और, ये किंग्स ऑफ द जंगल का, ये हंटर वाला, ये वाला खेल सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे गोल्ड। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो एज अ रिवॉर्ड भी आपको कुछ गोल्ड मिलते हैं अमाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो मैं नॉर्मल मैच जीतता हूँ विच इज़ वेरी इजी, तो अगर मैंने इसे कंप्लीट किया है, पूरा 100% नहीं 50% भी कंप्लीट किया, कुछ भी कंप्लीट यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पे 2500 गोल्ड एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि 2500 बहुत ज़्यादा नहीं है, पर स्टिल कुछ तो है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूरा 100% एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे 5000 गोल्ड यहाँ पे मिलेगा। और जो आप बेसिक गेम्स खेलो वहाँ पे 100-200 तो गोल्ड मिल रहे हैं, वो अलग, ठीक। फिर मैं हीरोइक में आता हूँ, अगर मैं हीरोइक कंप्लीट करता हूँ सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, तो 6000 गोल्ड मिलते हैं। अगर पूरा कंप्लीट करता हूँ तो 8000 गोल्ड मिलते हैं, ठीक है। फिर मास्टर में आ जाते हैं, मास्टर तो क्योंकि हार्ड है मास्टर, तो डेफिनेटली हर कोई नहीं कर सकता। आई थिंक इसमें गोल्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सप्लोरेशन का रिवॉर्ड मिलता है। ओके, इसमें कंप्लीशन का रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो 5 स्टार का 2000 क्रिस्टल भी मिल रहा है, शर्ट्स मिल रहे हैं क्रिस्टल के, और 3000 4 स्टार का क्रिस्टल शर्ट्स मिल रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है। कैटलिस्ट के उससे सही है, पर इसमें गोल्ड आपको नहीं मिलेगा मास्टर में। पर हाँ, बेसिक जो गेम्स खेलोगे उसमें 100, 200, 300 गोल्ड मिलते रहेंगे, तो आप ये गेम खेल सकते हो।
ठीक है। उसके बाद देखो साइड क्विस्ट आता है, तो कभी कभी गोल्ड क्विस्ट भी आता है, ठीक है। हालांकि इसमें अभी वो आया हुआ है जो हील करने के लिए हम लोग पोशन यूज़ करते हैं, रिवाइव और हील करने के लिए उसका आया हुआ है, तो आप इसको खेल के यहाँ से जो है पोशंस जो है कलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी ऐसे गोल्ड का आता है, ठीक है, इवेंट, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलते हैं खेलने पे, तो वो आप खेल सकते हो, वहाँ से आप गोल्ड पा सकते हो। उसके बाद गोल्ड पाने का और क्या तरीका है, बहुत ही बेसिक तरीके हैं, अगर छोटे छोटे तरीके। यहाँ पे ये तो कैटलिस्ट है, यस ये तो कैटलिस्ट है, ठीक है। मैं कैटलिस्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैटलिस्ट कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो, कितने कितने लेवल के कैटलिस्ट हैं और उनको कैसे फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, ये मैं लेके आया हूँ, ये है एरिना, या इसे बोल सकते हो एरिना इवेंट या क्विस्ट, एरिना क्विस्ट। इसमें आप अलग अलग एरिना आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3v3 का 5-star शर्ट सेलिब्रेशन है, तो इसमें 1-star और 2-star के कैरेक्टर्स को खिला सकते हो। रिवॉर्ड में आप यहाँ पे जब देखोगे तो रिवॉर्ड में आपको पहला जब आप माइलस्टोन कंप्लीट करोगे 25,000 पॉइंट्स जब पा लोगे तो आपको 5,000 गोल्ड मिलेगा। और वैसे ये इवेंट तो अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है यार, इसमें 500 शर्ट्स मिल रहे हैं, वो भी 5-star के। अब मैं यही मैं देख रहा हूँ यार कि 5-star के शर्ट्स पाना कितना ईजी हो गया इस गेम में, पहले इतना ईजी नहीं था, ठीक है, क्योंकि इस तरह के इवेंट हमें देखने को नहीं मिलते थे। फिर देखो यहाँ पे भी 500 मिल रहा है शर्ट्स, और 5000 गोल्ड यहाँ पे भी मिल रहा है, उसके बाद 7500 गोल्ड मिल रहा है, 1000 शर्ट्स मिल रहा है, विच इज़ इनसेन यार। मेरा 6000 शर्ट्स है, आई थिंक मुझे 4000 शर्ट्स चाहिए, तो मुझे ये इवेंट खेलना चाहिए डेफिनेटली, तो मैं एक 5-star का क्रिस्टल पा लूँगा, विच इज़ गुड। सो गुड, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको 7000 गोल्ड मिल रहा है। इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो गोल्ड को, ठीक है। और क्या तरीके हैं गोल्ड को फॉर्म करने के, इसमें से आप कोई भी इवेंट खेल सकते हो, 4-star तक के खेल सकते हो, इसमें भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5000 पहले मिलेगा माइलस्टोन कंप्लीट करने पे, ठीक है, फिर यहाँ पे 8000 मिलेगा सेकेंड माइलस्टोन कंप्लीट करने पे, थर्ड माइलस्टोन पे फिर आपको 8000 मिलेगा, फिर अगले पे 10000 गोल्ड मिलेगा, तो इस तरीके। और यूनिट भी मिल रहा है, तो आप यहाँ से यूनिट को भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मुझे अब यूनिट पे लग रहा है वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप इस तरीके से यूनिट्स को भी फॉर्म कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन द गेम, ठीक है। ये वाले की बात करते हैं, इसमें मैंने आई थिंक कंप्लीट कर लिया है, मुझे 2000 गोल्ड देखो मिल चुके हैं, मुझे 2000 यहाँ से भी गोल्ड मिल चुके हैं, 5000 यहाँ से मिल सकते हैं मुझे, यहाँ से भी 5000 में ले सकता हूँ, तो इस तरीके से मैं जो है कलेक्शन कर सकता हूँ गोल्ड की। और शर्ट्स भी मिल रहे हैं यार, अब तो शर्ट्स मिलना यानी एकदम हलवा हो गया है भाई, ठीक है। सो इट्स वेरी ईजी, ठीक है, और तो आप यहाँ से गोल्ड कलेक्शन कर सकते हो। और क्या तरीके हैं गोल्ड को कलेक्शन करने के, और भी बहुत सारे तरीके हैं गोल्ड को फॉर्म करने के, विच इज़, तो आप अगर फॉर्म का टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो बहुत आई थिंक विद इन अ मंथ आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड कलेक्शन कर सकते हो, उसके बाद भी बढ़िया से अपग्रेड करो। देखो इसका सीधा सीधा मतलब यही है, गोल्ड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल हम करते हैं करेक्टर को अपग्रेड करने पर। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कुछ दिन आपको अपने कैरेक्टर्स को अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, कुछ दिन आपको कैरेक्टर्स को अपग्रेड नहीं करना है, बस गोल्ड को कलेक्ट करना या यूनिट्स को कलेक्ट करना। यूनिट्स का तो कोई इशू नहीं है, आप कैरेक्टर्स को अपग्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि यूनिट्स का कोई यूज़ नहीं होता करेक्टर को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, यूनिट अलग ही चीज़ है। तो यूनिट का आप फार्मिंग कर सकते हो करेक्टर को अपग्रेड करते हुए भी, पर गोल्ड के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। तो गोल्ड को अगर आप फॉर्म करना चाह रहे हो ना, तो कुछ दिन आपको करेक्टर को अपग्रेड नहीं करना है अपने, ठीक है, तो मैं भी यही करने वाला हूँ अब, ठीक है। और एक और तरीका है जो बहुत ही बढ़िया तरीका है, जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि 5 hours 55 minutes में मेरे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं, जो जिनकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, वो चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा है वो आइटम्स, ठीक है, वो आइटम्स क्या हैं, मेरे स्टोर पे एक्स्ट्रा पड़े हुए, ठीक है, अब उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है,
तो मुझे पता है कि मैं इन 5 घंटों में उनको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही आइटम्स को एक्सपायर होने से पहले सेल कर देना, सेल कर दो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पोशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी देखो 5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। 8, ठीक है, ये 10 घंटे वाले भी ले लो, सब ले लो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैं जानता हूँ मैं इनको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अब देखो कितने सेल हो रहे हैं, मुझे इन सबको बेचने पे 22,800 गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है ना। अब बेच दो गोल्ड, देखो 89,800 हो गया, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट मैं 90,000 गोल्ड पे पहुंच गया 67,000 से। तो इस तरीके से भी गोल्ड फॉर्म किया जा सकता है, है ना। तो इस तरीके से गोल्ड को फॉर्म कर सकते हो आप। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वे कि आप गोल्ड को फॉर्म कैसे कर सकते हो, ठीक है। अपने आईसो 8 को भी बेच सकते हो आप। यहाँ पे जब स्टोर पे देखोगे तो आपके पास एक्सेस, मेरे पास तो बहुत आईसो 8 है, तो मैं आईसो 8 पे भी वीडियोस बनाऊंगा कि आप आईसो 8 को कैसे फॉर्म कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे आईसो 8 है। अभी तो इनकी वैलिडिटी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी वैलिडिटी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, पर मैं आपको कुछ आईसो 8 बेच के दिखाता हूँ। तो देखो मान लो मैंने 4 आईसो 8 बेचने हैं मुझे, तो मुझे इन 4 आईसो 8 के 5,900 मिल रहे हैं, ठीक है, मैं बेच देता हूँ यार, लो 95,000 हो गए। अब ये नहीं कि आप सारे आईसो 8 बेच दो, सारे आइटम बेच दो जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं। अभी तो देखो जो मैंने आईसो 8 बेचा उसमें टाइम था, पर जो आइटम एक्सपायर्ड होने वाले हैं उनको बेच दो, क्योंकि तुमको पता है कि इन घंटों में मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसे बेच दो, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप ये काम कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप जो है कोल्ड को फॉर्म कर सकते हो। सोचो अभी मैंने इसे बेच बेच के आई थिंक मैं 1 लाख पहुँच गया, करीब 1 लाख के करीब पहुँच गया हूँ, ठीक है, सिर्फ बेच के। अभी मैंने जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं अभी मैंने उनको इस्तेमाल नहीं किया प्रॉपर्ली, मैंने खेला नहीं, मैंने एरिना नहीं खेला, ठीक है, मैंने मंथली इवेंट अभी नहीं खेली। तो उस तरीके से आप बहुत ही आराम से 3 लाख 4 लाख मुझे लग रहा है बहुत ही इजीली आप कर सकते हो ये, ठीक है, टारगेट अचीव किया जा सकता है अगर आप मंथली टारगेट लेके चलते हो गोल्ड के लिए तो, ठीक है। आई थिंक 1 मिलियन भी बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं गोल्ड में, तो उसके बाद फिर आराम से अपग्रेड करो कैरेक्टर्स को, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब गोल्ड आपके ख़त्म हो जाए तो फिर यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा आपको, और इस तरीके से आप अपने गोल्ड को फार्म कर सकते हो बहुत बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यार यही एक मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा, आपको यूज़फुल लगा, तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ कमेंट करना कि अब आपको कौन से फॉर्मिंग पे वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली, अगर आप MCOC खेलते हो यानी मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन खेलते हो, तो कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ यार मैं क्या मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन खेलता हूँ और मुझे ये वीडियो यूज़फुल लगा है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए आए हो तो, और बस सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है, और करके बस सब्सक्राइब करके फिर नए नहीं रह जाओगे, फिर तुम पुराने हो जाओगे, ठीक है, तो मेंबर हो जाओगे यार, ठीक है, 1Gamers116 के, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और मैं ऐसे ही वीडियोस अब लाता रहूँगा। मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन पे भी लाएंगे, मॉडल कॉम्बैट पे भी आएगा, पर अभी क्या है ना, मैंने जैसा पहले बताया कि मैं उतनी वीडियोस अभी नहीं ला रहा हूँ, मुझे कुछ महीने का मैंने ऑलरेडी इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, उसके बाद में एक परमानेंट बढ़िया से इसको जो एक होता है ना कि मैं प्रॉपर फिर मैं एज अ यूट्यूब जो उसको लेके चलूँगा, और फिर देखते हैं फिर कहाँ तक जाते हैं हम लोग। और चलो या बस ऐसे ही सपोर्ट करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।